हेलो गाइस, वेलकम बैक ऑन intcpd.com। मेरा नाम है पूनम गर्ग और आप हमारे साथ सीख रहे हो एमएस एक्सेल 2010। आज का हमारा टॉपिक होगा सिंपल मैथमेटिकल फॉर्मूलाज इन एक्सेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, ये हमारे पास कुछ डाटा है जो कि कुछ स्टूडेंट्स का डाटा है। आपको नेम प्रोवाइड करा रखे हैं, उनके सब्जेक्ट्स हैं, उसके अंदर मार्क्स हैं। तो हमें आज करने हैं फॉर्मूलाज की एक्सेल की शीट के अंदर हम फॉर्मूलाज कैसे पुट करेंगे। अगर हमें कैलकुलेशन करनी है तो बाय फॉर्मूलाज हम कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, हमारे पास ये डाटा है, हमें हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिकल साइंस कुछ मार्क्स दे रखे हैं। हमें क्या करना है, उसका टोटल करना है। तो देखिए, टोटल के लिए आप सम का फॉर्मूला लगाते हो। सम का जो आपका फॉर्मूला है, आप डिफरेंट टाइप से उसको पुट कर सकते हो, डिफरेंट टाइप से आप एक्टिवेट करा सकते हो। फर्स्ट आपके पास क्या है, जितने भी आपके पास मार्क्स दे रखे हैं, जो भी आपकी रेंज है, अगर आपकी रेंज कंटिन्यू है, मींस आपको एक सीक्वेंस में सारे मार्क्स दे रखे हैं, तो आप क्या करते हो, सिलेक्ट करोगे विद इन एक्स्ट्रा सेल। यहाँ तक आपने सिलेक्ट किया, इसके बाद आप प्रेस करते हो ओल्ट प्लस की। आपके कीबोर्ड के अंदर ओल्ट एंड प्लस दोनों की आपने एक साथ प्रेस करनी है। तो आप देखते हो इससे क्या होता है, आपके जितने भी मार्क्स दे रखे थे उसका ये टोटल कर देता है, यानी कि सम का फॉर्मूला। आप फॉर्मूला बार में भी आप देख सकते हो, यहाँ पर दिखाता है आपका फॉर्मूला जो बना है इक्वल सम और B3 से E3 तक की जो आपकी रेंज है वो इसने सिलेक्ट की है। इसके बाद अगर आपने इसको ड्रैग कराना है, मीन्स नीचे अब आपने ये फॉर्मूला अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको दोबारा फॉर्मूला लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप क्या करते हो, उसको सिर्फ सिलेक्ट करोगे और ड्रैग कर देते हो। मीन्स आप शॉर्टकट की भी प्रेस कर सकते हो, कंट्रोल प्लस D फॉर ड्रैग। तो आप देख सकते हो पूरी रेंज को ऐड अप कर दिया इसने, सम करा दिया है। इसके अलावा भी आप एक फॉर्मूला यूज़ करते हो, कर सकते हो सम के लिए। देखिए, एक्सेल के अंदर जितने भी फॉर्मूले आप लगाते हो उसके लिए आपको इक्वल का साइन फर्स्ट ऑफ ऑल लगाना होता है, यानी कि इक्वल का साइन लगाते हो उसके बाद ही फॉर्मूला आपका स्टार्ट होगा। तो सम करने के लिए आप लिखते हो सम, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। हर एक फॉर्मूले में आपको दिखाएगा साथ में कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। इसमें दिखाता है नंबर वन, नंबर टू, मीन्स अपनी रेंज प्रोवाइड कराओ। तो हमारे पास रेंज यहाँ से लेकर B3 से लेकर E3 तक है, सेलेक्ट की, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज कीजिए और एंटर करो। आप इसको ड्रैग कराने के लिए फील हैंडल भी यूज़ कर सकते हो। तब देख सकते हो अपनी जो भी आप को डाटा मिला था उसका आपने सम कर लिया है। नेक्स्ट आपके पास सम करने का एक और मेथड है। अगर हमारा डाटा है वो सीक्वेंस में नहीं दे रखा, एक रेंज में ना देकर आपको डिफरेंट सेल्स के अंदर लिखा हुआ है। सपोज हमारे पास ये 4 सेल्स हैं और हमने इसको ऐड अप करना है, इसका सम कराना है, तो अब क्या करते हो, इसके लिए फिर से आप लिखोगे सम, फिर से ब्रैकेट स्टार्ट। अब आपको रेंज सेलेक्ट नहीं करनी, आपको अपने नंबर सेलेक्ट करने हैं। कॉमास लगाकर नेक्स्ट नंबर पे क्लिक कीजिए, क्योंकि हमारे पास कंटिन्यू रेंज नहीं थी, इसीलिए आप क्या करते हो कॉमा पुट करते जाओगे और फिर उसके बाद अपना सेल सेलेक्ट करते जाओगे। एंटर कीजिए तो आप देख सकते हो सम आपका दिखा देगा, जो भी आपका आंसर है वो आपके सेल में शो करेगा। अब देखिए, यहाँ पर आंसर दिखाता है आपके सेल में, और फॉर्मूला अगर आपने देखना है तो फॉर्मूला बार में भी देख सकते हो आप। इसके अलावा अगर आप आगे सम नहीं लिखते तो आप दूसरा एक आपके पास वे भी है, इक्वल का साइन फिर से पुट करते हो, अपने सेल को सिलेक्ट करो, अब प्लस का साइन प्रोवाइड कराओगे, बीच में प्लस का साइन लगाओ, फिर सेकंड आपका सेल, फिर प्लस, थर्ड सेल, कंटिन्यू, ऐसे ही आपने करना है और एंटर। तो आप ऐसे भी चेंज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपने माइनस, मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड करना है तो वो भी आप सिंपली इक्वल के साइन के साथ ही फॉर्मूला स्टार्ट करोगे, इक्वल का साइन, फिर सेकंड अपना फर्स्ट नंबर दो, और माइनस अगर आपने ये करना था तो आप माइनस का साइन दोगे और उसके बाद सेकंड नंबर और एंटर। ऐसी मल्टीप्लाई भी आप ऐसे ही करोगे, फर्स्ट नंबर सेलेक्ट करोगे उसके बाद मल्टीप्लिकेशन का साइन और फिर सेकेंड नंबर और एंटर। मल्टीप्लाई के लिए आप प्रोडक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो।
जैसे हमने सम के लिए प्लस एंड सम यूज़ किया था, ऐसे मल्टीप्लाई के लिए मल्टीप्लाई का साइन भी यूज़ कर सकते हो और साथ में प्रोडक्ट भी आप यूज़ कर सकते हो। तो इसके लिए भी आपको रेंज भी आप बता सकते हो, अदरवाइज नंबर्स भी आप बता सकते हो कॉमाज लगा के। एंड अगर आपने डिवाइड करना है तो फिर से इक्वल का साइन, फर्स्ट नंबर सेलेक्ट कीजिए, डिवाइड करने के लिए आप डिवाइड का सिंबल दोगे और फिर सेकंड अपना नंबर सेलेक्ट करोगे। तो इस तरह से आप डिवाइड करा सकते हो। तो ये सिंपल फॉर्मूलाज थे, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवाइड करना है। अगर हमने एवरेज मार्क्स निकालने हैं, टोटल स्टूडेंट्स जितने भी थे हर स्टूडेंट के मार्क्स आपको दे रखे हैं, अगर आपने क्या करना है एवरेज मार्क्स निकालने हैं टोटल स्टूडेंट्स के, जितने भी स्टूडेंट्स के एवरेज मार्क्स कितने हैं आपके पास, उसके लिए आप फॉर्मूला लगाते हो एवरेज, फिर से इक्वल का साइन लिखते हो एवरेज। देखिए जो भी आप फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हो, नीचे आपको पूरा उसका फॉर्मूला दिखा भी देता है, शो कर देता है, ये आप डबल क्लिक करके उसको ऊपर इंसर्ट भी कर सकते हो। उसके बाद फिर से आपने रेंज सेलेक्ट करनी है, F3 से लेकर F8 तक आपने पूरी रेंज सेलेक्ट की, ब्रैकेट क्लोज कीजिए और फिर एंटर कीजिए। तो आप देख सकते हो एवरेज मार्क्स जो भी हैं वो आपको फाइंड आउट करके दिखा देता है। अगर आपने इसको राउंड ऑफ कराना है तो आप यहाँ से भी करा सकते हो। तो ये आपके पास आते हैं एवरेज मार्क्स। तो ये फॉर्मूलाज थे मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए, प्लस माइनस मल्टीप्लाई करना है, एवरेज निकालनी है, डिवाइड वगैरह करना है। तो मैथमेटिकल फॉर्मूलाज हैं और ये आपके, इस टॉपिक को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। थैंक यू गाइज़।